गाइज वेलकम टू माई चैनल। और आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही फन वीडियो करने वाली हूँ, बिकॉज नॉट फन एक्जैक्टली, एक्चुअली आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं खुद पे लीप अपोती बिल्कुल नहीं करूंगी और मैं करूंगी लीप अपोती इस पे। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग हु इज शी। सो शी इज माई यंगर सिस्टर, बहुत ही यंगर है ना, बहुत ही छोटी सी है। ओके सो हर नेम इज रितिका, लाइक आई थिंक दिस इज ओके। ओके सो हर नेम इज रितिका, और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। I mean your age and you already know everything. I know everything, but my viewers, आप लोगों को नहीं पता, you want to know, right? Okay, तो मैं ही बता देती हूँ, कुछ बताने वाली नहीं है, फोकट का टाइम पास कर रही है यहाँ पे। तो ये ग्रेजुएशन कर रही है जस्ट, एंड ये बहुत छोटी है मुझसे, बट लगती नहीं है कहीं से। तो इसके लिए आइडेंटिफाई ये और छोटी। ओके आई एम जस्ट 20 by the way. ओके शी इज 20 एंड आई एम 25, दैट्स ओके, 5 इयर्स का डिफरेंस है। और बट नो वन कैन आइडेंटिफाई, लगता है क्या वैसे? अभी तो लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आई यू लुक एल्डर, यू हैव अ मैच्योर फेस, बट नो वन सेज दैट। मतलब पता है आप लोगों को, मेरी अंकल आंटी जो भी है ना, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि मैं छोटी लगती हूँ और ये बड़ी लगती है। आई डोंट नो वाई, बट हर फेस इज लाइक क्यूट ऑफ चाइल्डिश। You have a childish face. Yes. You are looking cute right now. Okay, actually ये इतनी cute लग नहीं रही थी इससे पहले। Exactly. अभी मैं इसका makeup शुरू करने वाली हूँ, and let me tell you guys, मतलब I'm so bad at makeup. अगर मैं दूसरों का करती हूँ। Exactly. मैं वही सोची क्या बोल रही हूँ। मैं जब भी दूसरों का मेकअप करती हूँ ना, मैं बहुत ही बकवास करती हूँ। शी नोज दैट, मतलब मैं दूसरों पे अप्लाई नहीं कर पाती अच्छे से। मेरा भी नहीं कर सकती अच्छा, बट आई डू कभी कभी, बाई चांस अच्छा हो, बाई चांस अच्छा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे वही चैलेंज लेने वाली हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू शो माई स्किल्स, एकदम बड़े बड़े जो मेरे को स्किल्स आते हैं ना, मैं सब इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, एंड देखते हैं कि कैसे टर्न आउट हुआ है। वैसे अच्छा टर्न आउट हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिया। शी इज लुकिंग सो ग्रेट, अच्छा लग रहा है पहली बार। फॉर ग्रेट, यस यू आर लुकिंग, यू आर ग्रेट बाय द वे। तो चलिए बिना देर करे देखते हैं कि मैंने कितनी मुश्किल से इस पे ये मेकअप किया है। आई होप आप लोग ये वीडियो एंजॉय करेंगे, और अगर आप एंजॉय करें तो आपको करना है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का बटन कहाँ पर है? इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे हिट कर दीजिएगा, और वो एकदम फ्री है, राइट? इट्स फॉर फ्री, यस इट्स फ्री। एकदम फ्री है, सो डू सब्सक्राइब गाइस, एंड लेट मी रीच 1000 सब्सक्राइबर्स, बिकॉज वी आर सून हिटिंग 1000। आई एम सो हैप्पी, मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ओह माय गॉड, आई एम जस्ट विशिंग, पता नहीं कब होंगे, बट वी आर ऑन लाइक 700-800 राइट नाउ, एंड वी आर विशिंग फॉर द 1000। विश मी लक, मुझे लक विश करो प्लीज, आई वॉन्ट। कितनी बार तो क्या कर, कभी व्यूअर्स के सामने कर दो। अच्छा डोंट, बेस्ट ऑफ लक। ओके थैंक यू सो मच। शी नेवर डू, I do always. अच्छा, she always do. Okay, she is such a sweetheart. तो चलिए बिना देर करे चलते हैं इस वीडियो में, एंड देखते हैं मेरी प्यारी सी कारस्तानी। So without further ado, let's jump into the video. So first हम लोग apply करने वाले हैं Miss Claire का primer, and this is Studio Perfect Professional Pore Primer. बहुत लंबा नाम है। ओके सो ये primer हम लोग इसके स्किन पे अप्लाई करेंगे, बिकॉज इसका बहुत ही ज्यादा oily skin है। तो she has just washed her face, एंड हल्का सा हम लोग इसके प्राइमर अप्लाई करेंगे टू रिड्यूस द पोर्स, बिकॉज इसके काफी ज्यादा पोर्स हैं। तो इस प्राइमर को मैं ब्लेंड करूंगी अपने बफिंग ब्रश से। सो आफ्टर अप्लाइंग द प्राइमर इज टाइम टू अप्लाई फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ मिस क्लेयर का फाउंडेशन, एंड आई थिंक शायद इसका टोन एंड मेरा स्किन टोन सेम है, तो सही जाएगा, राइट? आई डोंट नो, मतलब इसको तो कुछ भी आइडिया ही नहीं है, तो नो आइडिया। इसके अप्लाई करेंगे। सो अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कंसीलर, एंड मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेरा किको का कंसीलर इन दी शेड 06, और आई होप ये इसकी स्किन के लिए सही जाएगा एकदम। वैसे मेरा ब्रश कहाँ गया, कंसीलर ब्रश? फिंगर से ही अप्लाई कर लूंगी इसके कंसीलर, बिकॉज आई कुडंट फाइंड माय ब्रश राइट नाउ। क्लोज योर आईज। जहां भी से डार्कनेस है वहां पे मैं ये कंसीलर से हील कर लूंगी। अब मैं कंसीलर को एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी।
नाउ इट्स टाइम टू बेक हर फेस. तो हम लोग इसका फेस बेक करने वाले हैं, और बेकिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी मेरा लैक्मे का लूज पाउडर. वो हल्का सा आप ये पाउडर ले लीजिए इसमें, एंड हम लोग हल्का सा बेक करेंगे इसका फेस. What will my face come out as? Cake. तो हम लोग इसको केक बनाने वाले हैं अभी. लुक ऊपर. सो जब तक इसका फेस हो रहा है बेक, मतलब जब तक हम लोग अवन में रखेंगे इसे, तब तक इसके आई एरिया कर लेते हैं. एंड आई एरिया के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेरा मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट. एंड ये पैलेट मुझे फ्री में मिला था. आई डोंट नो वेदर यू गाइस कैन फाइंड ऑन नाइका और ऑन हुक मेकअप, बट मुझे तो ये हुक मेकअप में मिला था बिकॉज उनका कुछ ऑफर चल रहा था. सो दिस इज अ ब्रिलियंट पैलेट. लुक एट द शेड्स गाइस, आई मीन दिस सच अ लवली पैलेट, आई जस्ट लव इट. सो सबसे पहले मैं इसका आई एरिया सेट कर लूंगी अपने कॉम्पैक्ट से, ग्लैम ऑन फेसेस कॉम्पैक्ट से. सो आई जस्ट सेट हर आई एरिया. सो लेट्स सी मैं इसमें से कौन सा शेड इसके अप्लाई करने वाली हूँ. सो आई जस्ट वॉन्ट सम स्मोकी आई लुक, थोड़ा कॉपरी कलर कुछ करते हैं. तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मेरा लाइट पिंक शेड फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसे अप्लाई करूंगी इसके एज अ ट्रांजिशन शेड. नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगी दिस डार्क ब्राउन कलर, और इसे अप्लाई करूंगी इसके क्रीज पे. द कलर्स आर सुपर पिगमेंटेड. लुक गाइस, सुपर पिगमेंटेड सीरियसली. लास्ट में मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये डीप पर्पल कलर, और इस डीप पर्पल कलर को प्लेस करूंगी एकदम कॉर्नर पे. अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये डीप कॉपर कलर, जो कि बहुत ही ज्यादा कलर, बहुत ही प्यारा कलर है. लेकिन मैं यहाँ पे उससे पहले अप्लाई करूंगी ये कंसीलर इसके आईलिड पे. क्लोज योर आईज सो दैट जो भी मेरा पिगमेंट है कलर का वो काफी अच्छी तरह से दिखे. अब मैं ये डीप कॉपर कलर लेकर इसके आईलिड पे प्लेस करूंगी. तो अब हम लोग इसका आईब्रोज बना लेते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने उसके आईज पूरा अच्छे से सजा वजा दिया है. तो लेट्स गो टू दी आईब्रोज, एंड एज यू कैन सी शी डजंट गो फॉर थ्रेडिंग. तो वो कभी भी आईब्रोज नहीं करवाती अपनी. तो इसका क्लियर नहीं है, एंड इसके बहुत ही ज्यादा थिन आईब्रोज है, तो फिर इसलिए मैं इन्हें अच्छे से ग्रूम कर दूंगी. Can you find out the difference, guys? I mean, brows makes a big difference. तुझे लग रहा है डिफरेंस? Immense. तू क्या क्रिश्चियन है? मेरा हिंदी चैनल है स्पीकिंग हिंदी. बहुत डिफरेंस लग रहा है मुझे. हो गया बहुत. पहली बार हिंदी बोल रहा हूँ मैं. हिंदी बोल रहा हूँ. She's like that only. Okay, so let's complete her the second brow. Why are you laughing? Why are you laughing? Because you are laughing. Come on. Focus. Okay. Let's focus. Yeah. अदरवाइज तेरी ब्राउज में रावण की तरह बना दूंगी. मोटी मोटी एकदम. सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो मैंने शेड्स ऊपर अप्लाई करे हैं, मतलब मैं ये वाला शेड जो है पर्पल, ये पर्पल शेड को इसके लोअर लिप पे लगाऊंगी. नाउ इट्स टाइम टू हाईलाइट. तो मैं ये वाला शेड यहाँ पे एकदम लाइटर जो शेड है ये लूंगी, गोल्डन, हल्का सा गोल्डन शेड. Yes, this is a golden shade. And हल्का सा golden shade लेकर मैं इसके brow bone पे apply कर लूंगी. So now it's time to apply a liner. So I'm using my Sivana colors का liner because ये थोड़ा सा glittery liner है and this will go perfectly on this look.
सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेरा कीको मिलानो का ग्रीन काजल एंड दिस इज इन दी शेड 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 नंबर 8 एंड ये एकदम ग्रीन कलर है तो मैं इसे हल्का सा सो नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई मस्कारा एंड मस्कारा अप्लाई करने के लिए मैं इसके लैशेस कर्ल कर दूंगी ओपन So I'm using my Kiko Milano mascara because she has already beautiful lashes. मतलब मैं हमेशा इसे बोलती हूँ कि तेरी lashes इतनी सुंदर हैं. She has really curled up and big lashes. तो मैं यहाँ पे कुछ भी falsies, let's see, apply करने की ज़रूरत रहेगी तो करूँगी वरना फिर नहीं apply करूँगी. This mascara will work a wonder for her. Okay, so now it's time to remove the baking part and I'll just remove this with a brush. ऊपर देखो. Yes, it's done. Now it's time to do a bit contour. मतलब मैं हल्का सा ही contouring करने वाली हूँ. ज़्यादा contouring नहीं करूँगी. So I'm using my Sivana bronze. So I'm using my Sivana colors bronze professional. Okay, so मैं हल्का सा ये Sivana का brown shade लेकर हल्का सा contour करूँगी. Countering plays a important role, you guys. Look, अब इसका nose को भी हम लोग थोड़ा ठीक ठाक कर देंगे जो पकौड़े जैसी ना आते हैं उसको थोड़ा सा स्लिम एंड अच्छा बनाएंगे हाँ यू डोंट हैव क्या पकौड़े जैसी नाक प्रॉपर नो शी हैज अ प्रॉपर नाक बट आई हैव अ पकौड़े जैसी थोड़ी सी सो मुझे जरूरत पड़ती है बट शी हैज अ गुड नोज blush I'm using my blue heaven blush and this is in the shade 502 और ये काफी brownish mauvy pink color है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है and इसका pigment भी अच्छा है how long this looks super duper pretty and in fact मुझे लगता है कि इसको ये भी apply करने की ज़रूरत नहीं है हाईलाइटर बिकॉज इज डूइंग द वर्क ऑफ हाईलाइटर ओनली बट फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटर अप्लाई करूंगी बिकॉज आई लव यूजिंग हाईलाइटर और हाईलाइटर के लिए मैं यहाँ पे Sivana के पैलेट में से ये सेम हाईलाइट यूज करूंगी एंड इसके चीक बोन्स पे अप्लाई करूंगी हल्का सा देखो ओह लुक एट योर नोज इसका नोज कितना चमक रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि इसकी नोज ही हाईलाइट मार रही है एकदम लाइट दे रही है बट द मेकअप हैज टर्न्ड आउट सो क्यूट एंड इट्स टाइम टू गो फॉर लिपस्टिक एंड लिपस्टिक इज द बेस्ट पार्ट इनफैक्ट आई थिंक इसको भी लिपस्टिक ही लगाना बहुत पसंद है एक्चुअली बॉक्सेस इतना दूर दूर रखे हैं ना कि मुझे कुछ मिलने हैं तो मैं इसका लिपस्टिक कौन सा लगाऊं What guy, you guys suggest यार मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है should I go for gloss or should I go for a deep purple shade because the makeup is fully pink no this will not look good I want something bright so I think I should go for Sonam Kapoor the deep shade no it makes me look dark Okay, so let's go for a sugar smudge me not lipstick and this color matches with the eye color तो फिर ये काफी अच्छा pink purplish pink है जो मैंने उसके eyes पे apply किया था so I think I am going for this shade Okay, so coming to the last step मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेरा मैट फिनिश बिकॉज इसका थोड़ा सा ऑयली स्किन है तो ये मैट लुक देगा एंड दिस इज वेट एंड वाइल्ड सेटिंग स्प्रे नाउ क्लोज योर आईज बेबी ओप्स आई थिंक दिस स्प्रे इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली सो रेडी सो दिस इज हर फाइनल लुक एंड आई थिंक आई डिड प्रिटी वेल मतलब मैंने इतना कुछ बुरा भी नहीं किया है अच्छा लग रहा है How's it? What do you guys think? Okay, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एक्चुअली माय सिस्टर यार कम ऑन मैंने इसको पकड़ पकड़ के यहाँ पे बिठाया शी डजंट वांट मेकअप आई डोंट नो शी डजंट लाइक मेकअप एट ऑल एंड बोल रही थी नहीं मुझे नहीं करना है नहीं करना है बट फाइनली शी गॉट रेडी
तो एंड शी हैज़ दी नेचुरली कर्ली हेयर, तो उसको कर्ल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी. शी हैज़ लवली कर्ली हेयर और मेकअप आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई हैव नो आइडिया. मुझे तो अच्छा लग रहा है, बट इनफैक्ट आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है. शी इज लुकिंग सो क्यूट इन दिस. वाओ, आई लव योर आईज. भाई देखिए, मैंने के ऐसे में शायद ज़्यादा ही अपनी तारीफ कर रही हूँ. एनी विच शी इज लुकिंग गुड. ओके, सो जस्ट हैव अ क्लोजर लुक हाउ शी इज लुकिंग. लुक आई होप आपको अच्छा लगा होगा और मुझे इसी के साथ ये ब्लॉग खत्म कर देना चाहिए. बाय द वे, मैंने कुछ भी मेकअप वेयर नहीं किया है. आई एम जस्ट वेयरिंग माय लिपस्टिक एंड हल्का सा लाइनर और आज मैंने पूरा मेकअप बचा के रखा है इस लड़की के लिए करने के लिए. एंड शी इज लुकिंग सुपर प्रिटी. ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ. दैट्स ओके, मैं किसी और पे मेकअप नहीं कर रही. अल्टीमेटली कर ही रही हूँ. हाँ सर, डन अ ग्रेट जॉब. कम ऑन, लुक एट यू, हाउ यू वर बिफोर एंड हाउ यू आर नाउ. That's a compliment or not? That's a compliment, just kidding. So I think we should wind up this video now, right? Yeah. अब हम लोगों को खत्म करना चाहिए. बहुत सजवज ली तुम. तो फिर अब हम लोग खत्म करते हैं ये वीडियो को यहाँ पे और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो? नो. तू नहीं करेगी मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो? बिल्कुल नहीं. Oh my God! Look how she's saying directly. I'm not doing all this thing again. But you look pretty. You should do. I think you should start doing makeup now. I'll think about it. Okay. By the way, ये सब हम लोगों का चलता ही रहेगा. So we'll meet you in next video. Till then, bye. Love you guys. Bye.